जनाब ये खास वीडियो हर एक उस इंसान के लिए है जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं किस इलाके में, किस सिटी में प्रॉपर्टी खरीदनी होने वाली है महंगी, कब से और किस दर पे बढ़ेगी, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का रीजन हो, मतलब नोएडा, गाजियाबाद। तो इस वीडियो में हम कवर करते हैं संपत्ति खरीदना होगा महंगा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, और जो पहली बार आए हैं मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए वीडियो को जल्दी आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम वन बाय वन एरिया वाइज कवर करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं आप सभी के लिए गाजियाबाद का एरिया। तो गाजियाबाद का आपको ये बता दें कि लगभग 6 साल बाद, जी हां लगभग 6 साल बाद, इस एरिया में प्रॉपर्टी अब खरीदनी हो जाएगी महंगी, लगभग 8 से 22%, जी हां 8 से 22% का लैंड प्राइस का इंक्रीज रेट हो जाएगा। अब बात यह है वजह क्या है जो ये सर्कल रेट लगभग 6 साल बाद, जो पहले लगभग 2016 में इसके सर्कल रेट जी हां बढ़ाए गए थे, लेकिन अब क्योंकि बीच में कोरोना का काल रहा तो जिस वजह से इसका सर्कल रेट बढ़ाने का जो प्रस्ताव था वो रोक दिया गया था, लेकिन अब जो फाइनली लगभग 8 से 22%, जी हां 8 से 22% का इंक्रीमेंट होगा। आपको ये बता दें सीधा सीधा असर जो आ रहा है वो दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का सीधा असर, और साथ में दिल्ली मीरठ रैपिड रेल कॉरिडोर जो कि फुल स्विंग में काम चल रहा है, ये सारा का सारा असर गाजियाबाद के एरिया में लेके आ रहा है। इसका असर नोएडा में भी है, अभी नोएडा का भी कवर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका जान लीजिए। आपको ये बता दे गाजियाबाद की एरिया की अगर हम बात करें तो मार्केट का जो प्राइस है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। वजह बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट्स बताए रैपिड रेल कॉरिडोर के और दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के। आपको बता दे अगर हम दुहाई एरिया की ही बात करें तो बाकी जो नई कॉलोनीज है वो पुराने समय में, ज्यादा नहीं थोड़े समय पहले ही, वो लगभग 10 से 12 हजार पर स्क्वायर मीटर का रेट मिलता था, लेकिन अब उसका भाव 20 से 25 हजार पर स्क्वायर मीटर हो गया है। उसी तरीके से जब से दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे जी हां का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, तो दासना की अगर हम बात करें, मसूरी की बात करें, तो ये जो सारा का सारा मुरादनगर, मोदी नगर की बात करें, इन सब पे लैंड का इंपैक्ट, रेट्स एप्रिसिएशन का हर जगह आपको देखने को मिलता है। अगर हम सर्कल रेट एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो जनाब वो भी लगभग 10 से 12% का उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये बता दें ये सारा का सारा काम कब तक पूरा हो जाएगा। आपको ये बता दें कि जो स्टैम्प डिपार्टमेंट है उन्होंने इसका सर्वे कर लिया है और इसकी जो लिस्ट है इंक्रीज सर्कल रेट्स लैंड की हर कॉलोनी के हिसाब से वो भी रिलीज कर दी गई है। आपको ये बता दें ये जो लिस्ट है ये पब्लिश हो चुकी है कलेक्ट्रेट ऑफिस में, हर ऑल तहसील्स में, हर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी तक इसमें जो दिक्कत आ रही है सिर्फ ऑब्जेक्शंस की वजह से, जो कि लिस्ट के लिए लास्ट वीक में लगाए गए थे, अब नए रेट्स खास इंप्लीमेंट हो जाएंगे जैसे ही ये ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाते हैं। गाजियाबाद के नए रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जनाब ये खास अपडेशन गाजियाबाद एरिया का था। आइए अब हम कवर करते हैं आपके लिए नोएडा का एरिया। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं तो आपको ये बता दे अभी फिलहाल के लिए मौका तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी देखने चाहते हैं नोएडा रीजन में, तो वहां के अलॉटमेंट रेट्स
प्लॉट्स की अगर हम बात करें, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो या इंडस्ट्रियल हो, सभी का रेट आपको इंक्रीज होता हुआ बहुत जल्द दिखाई देगा। आपको ये बता दे कि बोर्ड मीटिंग अथॉरिटी की तरफ से शेड्यूल करी गई है जो कि अगस्त में होनी है। ये प्रपोजल उसी बोर्ड मीटिंग में जो अलॉटमेंट रेट्स है इंक्रीज होने का रखा गया है। आपको ये बता दें कि जैसे ही ये प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा तो जो अथॉरिटी जो इस अलॉटमेंट रेट्स है इधर के इंक्रीज कर देगी और इसका सीधा सीधा असर हर एक आम इंसान पे आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। अब बात होती है रेट कितने परसेंट पे बढ़ेंगे। आपको पहले एक बात बता दें कि अथॉरिटी इसके लिए रेट्स क्यों बढ़ाना चाहती हैं। आपको ये बता दें कि अगर अथॉरिटी ने इसका एक जनरल सर्वे किया, उन्होंने हर जगह छानबीन करी, जनरल प्लेसेस में सर्वे कराया गया, तो वहां पे पता चला कि जो प्राइजेस हैं प्लॉट्स के मार्केट में ऑलमोस्ट डबल के रेट पे मिल रहे हैं, लेकिन जो उसके आज की डेट में भी सर्कल रेट्स हैं वो कम है जनाब। इसीलिए अथॉरिटी फाइनली चाहती है कि रेवेन्यू उनका लॉस ना हो, इसीलिए इसका रेट आपको आने वाले वक्त में इंक्रीज रेट्स के साथ आपको दिखाई देगा। प्रॉपर्टी खरीदनी हो जाएगी महंगी, ये एकदम सच है, कड़वा सच है, आप इसको कुछ भी समझे, लेकिन बहुत जल्द आपको सब एरिया में, चाहे वो नोएडा हो, अब गाजियाबाद हो, दिल्ली एनसीआर का रीजन है, तो जनाब प्रॉपर्टी आपको आने वाले वक्त में रेट इंक्रीमेंट के साथ बढ़ते हुए बहुत जल्द दिखाई देंगे। अब जनाब वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूँ ये खास वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और खास इस खास वीडियो को शेयर करना ना भूले। इस खास वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप दूर दूर तक अपने जान पहचान वाले लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान, हर एक आम इंसान जिसका सपना घर बनाना होता है वो छूट ना जाए। अभी फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, मिलता हूं बहुत जल्द एक खास नई वीडियो, एक खास नई अपडेशन के साथ। अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, गुड बाय, धन्यवाद।